व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे साथ में कुणाल और कुणाल और मैं हम लोग एक जगह पे आए जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का इंडियन फिल्म्स का म्यूजियम है। सो इट्स कॉल्ड नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन फिल्म्स और वो यहाँ पे पीछे है इस बिल्डिंग में। ये जो जगह है ये पेडर रोड पे है और पेडर रोड पे जस्ट जो अंबानी का बिल्डिंग है उसके ऑपोजिट है ये। पेडर रोड है, चलो वहाँ पे जाके देखते हैं। अभी अंदर मुझे पता नहीं अंदर शूट करने अलाउड है कि नहीं है, जाके चेक करूँगा। और आई होप मेरे को ये ब्लॉग पूरा अच्छे से शूट करने मिले अंदर। सो लेट्स गो एंड सी। सो ये आपको दिखेगा सामने जो पीछे वाली बिल्डिंग है वो अंबानी का घर है। ये वाली ये बिल्डिंग और यहाँ पे ये फिल्म डिवीजन का गेट है ये। सो गाइज, यहाँ पे मैं जैसे ही अंदर आया मेरे को आते ही गार्ड ने बोला यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है और यहाँ पे वीडियो फ़ोन से भी अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने अंदर जाके थोड़ा परमिशन लेने का ट्राई किया बट लोग नहीं दे रहे थे। फिर भी गाइज मैंने थोड़े वीडियोस फ़ोन से लिए हैं और उसी के ऊपर बेस्ड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइज, इस म्यूज़ियम के अंदर आने के लिए एंट्री फ़ी है जो है सिर्फ 75 रुपीज़। और ये म्यूज़ियम दो बिल्डिंग में डिवाइडेड है तो हम लोग अभी फर्स्ट वाला बिल्डिंग चेक कर रहे हैं जिसको महल भी बोलते हैं। इट्स लाइक अ पैलेस। सो ये वहाँ का स्टार्टिंग है। ये फर्स्ट बिल्डिंग हम लोगों ने अभी कवर किया जिसके अंदर बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ें था और जो हमारा 100 ईयर्स का टाइमलाइन है, लास्ट 100 ईयर्स का उन्होंने टाइमलाइन बनाया था पूरे वॉल पे जो अपने वीडियो में देखा रहेगा। तो उसके बाद में यहाँ पे एक सेकंड बिल्डिंग है, ये जो इसे कांच का बिल्डिंग है। अब इसके अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो गाइज, वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करके रखे थे बट मुझे लगता है इसके अंदर इस व्लॉग में डालने का मतलब नहीं क्योंकि म्यूज़ियम ने एक फीस रखा है लोग आके वहाँ पे देखे। और मैं भी आपको बोलूँगा जाके डिटेल में देखो तो जितना हो सकता है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये म्यूज़ियम का लुक एंड फील कैसा है। था वीडियो यहाँ का म्यूज़ियम का जो इंडियन फिल्म्स, हर बार गलत क्यों बोलता हूँ ये नाम,
भूल ही जाता उसका नाम कैसे बोलने का। सो ये था इंडियन फिल्म हिस्ट्री का म्यूजियम, और हम लोग को चाहिए वैसा शूट नहीं करने मिला क्योंकि फ़ोन से करना पड़ा था, बट बहुत फुटेजेस थे निकाले हम लोगों ने। अगर कैमरा होता तो और भी अच्छे से मैं कर सकता था। मजा आया कौन सा वीडियो किधर डालने का, और इतने वीडियो निकाले थे तो हम लोग भी कंफ्यूज हो गए क्या करना है कितना, और बहुत कुछ है मतलब वीडियो लेने के लिए इतना है कि ख़त्म नहीं होगा वो। और अगर आप एक ही रूम में इतना बहुत कुछ है तो उसका एक वीडियो बन सकता है। हाँ मतलब लाइक बहुत बहुत अच्छा है इन्फॉर्मेशन, बहुत पुराने कैमराज है सब कुछ है यहाँ पे, लाइक जो चीज़ें कभी देखने भी नहीं मिलेगी कहीं पे सब देखने मिलेगा फिल्म से रिलेटेड। सो एनीवेज गाइस ये ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।